दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। हेलो, हाँ बताइए। जियो फ़ोन में 48 मेगापिक्सल यूट्यूब वीडियोस पे, हाँ जियो फ़ोन 3 को लेकर काफ़ी काफ़ी लोग कह रहे हैं। हाँ तो आपको क्या जानना है जियो फ़ोन 3 को लेकर? जियो फ़ोन 3 जो होगा उसमें 40 मेगापिक्सल कैमरा होगा या नहीं? भाई देखो, रेडमी नोट 7 प्रो आ रहा है उसमें 48 मेगापिक्सल है और जियो फ़ोन 3 में भी 48 मेगापिक्सल होगा, ऐसे लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो अभी मेरे चैनल पे एक वीडियो आएगी जिसमें कि आपको मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा यार जियो फ़ोन 3 और नोट रेडमी के नोट 7 प्रो का, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे यार। ओके ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि मुझे कॉल आया और कॉल में कोई बंदा पूछ रहा है कि ये आप ये बताइए कि जियो फ़ोन 3 को लेकर जो मैंने वीडियोस यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि उसमें बताया जा रहा है कि 40 मेगापिक्सल कैमरा होगा या 48 मेगापिक्सल होगा, तो क्या ये हमें 1500 रुपये में ही 48 मेगापिक्सल प्रोवाइड कर देंगे कैमरा या नहीं? तो यार ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और मस्ती भी इस वीडियो में होगी क्योंकि कभी कभी आप बोर हो जाते हो वैसा एक प्रकार की वीडियो देखने को। तो मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँगा जियो फ़ोन 3 और रेडमी नोट 7 प्रो का, तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अलग वीडियो होने वाली, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, प्लीज़ लाइक कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, भाई क्या कर रहे हो यार, क्लिक कर दो सब्सक्राइब बटन पे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं जियो फ़ोन 3 की, तो यार ये इतना गर्मा गर्म टॉपिक बन रखा है और लोग उसके ऊपर वीडियोस यूट्यूब पे बना के काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई हैं, मिलियंस गई हैं वीडियो, और उसी को देखते हुए यहाँ पर लोग उसमें जो टाइटल लिखा रहता है वीडियो में कि 40 मेगापिक्सल, 45 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल जियो फ़ोन 3 में आपको मिलेगा सिर्फ 1500 रुपये में, तो उसको देखकर काफ़ी लोग जो बेचारे सीधे हैं और उनको ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि यार सब उतना नहीं जानते, लोग सोचते हैं कि हाँ यार 48 मेगापिक्सल जियो हमें इतना सस्ता प्लान दे सकता है, तो यार 1500 रुपये में 48 मेगापिक्सल या 2000 रुपये के स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल भी दे सकता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि रेडमी नोट 7 प्रो जो कि अभी लॉन्च हो जाएगा फरवरी में, यहाँ पर बताया जा रहा है नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगा, और उसमें भी कुछ आपको जो मिलेगा वो 48 मेगापिक्सल मिलेगा, सोनी का यहाँ पर सेंसर होगा। रेडमी का नोट 7 लॉन्च हुआ उसमें 48 मेगापिक्सल है कैमरा, लेकिन वो सैमसंग का सेंसर है, और रेडमी नोट 7 प्रो में आपको 48 मेगापिक्सल मिलेगा सोनी के सेंसर के साथ में। तो दोस्तों वो जो फ़ोन होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, उसमें आपको बहुत ही बढ़िया फीचर्स मिलेंगे जो कि एक 50,000-60,000 के स्मार्टफोन मिलता है, वो सभी आपको Redmi के Note 7 Pro में देखने को मिलने वाले हैं और काफी अच्छे प्राइस में। अगर मैं यहां पर अगर बात करूं प्राइस की, तो कम से कम यहां पर 15,000 रुपए उसकी प्राइस होने वाली है और लॉन्च होगा इंडिया में वो नेक्स्ट मंथ यहां पर फरवरी में हो जाएगा। और दोस्तों बात करी जाए जियो फोन 3 की, तो काफी लोगों के मन में डाउट है कि यार जियो फ़ोन 3 में 48 मेगापिक्सल होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जियो फ़ोन 3 में। आप मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप ये बताइए कि जियो फ़ोन 3 में पबजी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, तो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि जियो फ़ोन 3 में आप इससे नहीं खेल पाओगे, क्योंकि यार उसमें जो रैम की जो मतलब होगी वो या 1 GB होगी या 2 GB होगी, उससे ज़्यादा आपको 8, 10, 20, 15 आपको 25 GB रैम नहीं मिलने वाली है, और इसीलिए आप उसमें आपको रैम नहीं मतलब उतनी होगी तो आप पबजी नहीं खेल पाओगे, और उसका प्राइस होगा वो बेसिकली यार बहुत ही बेसिक सा स्मार्टफोन होगा। तो काफी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि उसमें कितने मेगापिक्सल का होगा, तो यार एक मतलब बस आप ये समझ लो कि फीचर फोन को जो यूजर्स है, फीचर फोन के यूजर्स, वो उनको सिर्फ कन्वर्ट करना चाहते हैं यार, रिलायंस जो जियो है मुकेश अंबानी उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि स्मार्टफोन यूजर्स में, बस उनका मकसद यही है। उनका मकसद ये नहीं कि सबसे बेस्ट स्मार्टफोन ला के देना, उन्हें बस ये है कि एक स्मार्टफोन ला के देना जो कि उनके फीचर्स फोन यूजर जो फीचर फोन यूजर हैं उनको काफी और भी अच्छा यूजर यहां
पर जो एक्सपीरियंस है वो ले सके स्मार्टफोन का भी काफ़ी सस्ते प्राइस में। तो 1500 रुपये या 2000 रुपये में इनका कुछ जियो फोन 3 आएगा। और आपको बता दूं कि जियो फोन 3 एक बेसिक स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको 1 GB की रैम या 2 GB रैम मिलेगी, 8 MP का आपको बैक कैमरा मिल जाएगा, 5 MP का आपको फ्रंट में मिल जाएगा। और यार रेडमी नोट 7 प्रो और जियो फोन 3 का कोई भी कंपेरिजन बनता ही नहीं है। और मुझे काफ़ी कमेंट्स थे तभी मैंने ये वीडियो को भी बना दिया कि आप ये बताइए कि रेडमी नोट 7 प्रो में 48 MP होगा, जियो फोन 3 में भी 48 MP होगा। तो मैंने सोचा यार आखिर में क्या है। दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करिए। बाकी अगर आपके कोई ओपिनियन है जियो फोन 3 या रेडमी नोट 7 प्रो को लेकर कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो प्लीज लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आता रहता हूँ जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ अलग अलग टॉपिक के बारे में जैसे ये टॉपिक था ऐसे टॉपिक भी लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।